एक और चीज़ है जो अच्छे लोगों में ये प्रॉब्लम आज दिखने लगा है, और वो ये है हुज्जतबाजी। बात बात में हुज्जत हुज्जत हुज्जत, ये क्या है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आपको शायद बात पता होगी कि कुरान की आयत है सूरह नहल की, सूरह 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से, वल मौइज़तिल हसना अच्छी नसीहत से, वजादिल हुम बिल्लती ही आहसन उनके साथ हुज्जत करो बेहतरीन तरीके से। गौर ये करिए, हुज्जत का जिक्र नंबर 3 पर आ रहा है, उन्हें बुलाओ अच्छे तरीके से, हिकमत से, अच्छी नसीहत से, हुज्जत करो बेहतरीन तरीके से। मतलब वो अगर तुमसे हुज्जत करने लगे तो रिप्लाई हुज्जत करो, लेकिन अच्छे तरीके से करो, छोड़ नहीं देंगे उसको। जब किसी को दावत देंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर वो हुज्जतबाजी पे उतर आया तो हुज्जत करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ही आहसन, बेस्ट तरीके से। लेकिन हुज्जतबाजी नॉर्मली अच्छी चीज़ नहीं है, इसके मुतालिक बहुत सारे दलायल हैं। सही बुखारी की हदीस, यकीनन अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा गज़ब के लायक, गुस्से के लायक जो इंसान है वो है झगड़ालू और ज़िद्दी, हर चीज़ में अपनी ही बात को सही साबित करना है। तो पर्सनल ज़िंदगी जहाँ तक है वहाँ पे हुज्जतबाजी लाना प्रॉब्लम है। हाँ, दीन की बात साबित करने के लिए और नंबर 1 पे नहीं, एक ज़रूरत के तहत करने की इजाज़त है, लेकिन खुद की पर्सनल लाइफ में हर चीज़ में हुज्जत हुज्जत हुज्जत। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोई कभी गलत साबित ही नहीं कर सकता है, वो हर चीज़ में अपने आप को ही सही साबित करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स सही होने के बावजूद भी हुज्जत नहीं करे, मालूम है मैं सही हूँ, दीनी मामलात में नहीं पर्सनल मामलात की बात हो रही, सही होने के बावजूद भी हुज्जत ना करे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे शख्स को मैं गारंटी देता हूँ जन्नत के बाउंड्री के इलाके में घर की, कि जन्नत का जो लास्ट का बाउंड्री का इलाका है ना, वहाँ पर घर की गारंटी देता हूँ। वहाँ तो पहुँच जाए, आगे और पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या करना होगा? हुज्जतबाजी को छोड़ना होगा। सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा दल्ला कौमुन बाद हुदन कानु अलैही इल्ला उतुल जदल, के लोग गुमराह नहीं हुए सिवाय कि उनके अंदर हुज्जतबाजी आ गई। हिदायत पे आने के बाद लोग गुमराह नहीं हुए सिवाय कि उनके अंदर हुज्जतबाजी आ गई। हमसे पहले वाली जो कौमें थी ना, वो सही रास्ते पे आने के बाद गलत रास्ते पे कैसे चले गए? हिदायत से गुमराही में कैसे चले गए? उतुल जदल, हुज्जतबाजी उनमें आ गई। हमें भी ख्याल रखना है कि हमारे अंदर हुज्जतबाजी ना आ जाए।